हमीरपुर जिला के ग्राम पंचायत नारा के गांव खरूणी की रीता देवी ने आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। निजी स्कूल की नौकरी कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के चलते छूट जाने और आजीविका का साधन न होने पर रीता देवी ने हिम्मत नहीं हारी और बैंक से ऋण लेकर खेती की ओर रुख किया है। रीता कुमारी पत्नी सुनील कुमार ने आय के लिए एक खेत में कर्ज लेकर एलोवेरा की खेती शुरू कर दी, जिससे अब लाखों रुपए की अच्छी आमदन होने की उम्मीद जगी है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के लगने के कारण निजी स्कूल से नौकरी छूट जाने के बाद 45 वर्षीय रीता देवी ने अपने परिवार के पालन पोषण में दिक्कतें पेश आने के बाद ही खेती करने का निर्णय लिया। निजी हर्बल कंपनी की सलाह पर अपने एक 1.5 कनाल के खेत के लिए एलोवेरा के 5,000 पौधे मंगवाए। जून माह में रोपे गए इन एलोवेरा के पौधों की फसल अब खेत में लहलहाने लगी है। इसके साथ ही बेबी प्लांट भी निकल रहे हैं। अगर एलोवेरा के पौधे अच्छे निकलते रहे तो 4 लाख की आमदन होने की उम्मीद है। रीता देवी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए खेती की ओर रुख किया है और एलोवेरा को चुना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एलोवेरा की खेती से करीब 4 लाख की आमदनी होगी। उन्होंने बताया कि निजी हर्बल कंपनी से एलोवेरा के पौधे लेकर खेती शुरू की है और एलोवेरा के तैयार होने पर ये निजी कंपनी ही विभिन्न प्रोडक्ट तैयार करेगी। जी हाँ जी, मैं एक टीचर थी, हूँ अभी भी, पर कोरोना की बीमारी जैसे बढ़ी तो लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद 1-2 महीने मैं घर में ही रही। उसके बाद मुझे बड़ी टेंशन होने लगी कि अब मेरे बच्चे भी हैं, जैसे बड़े बड़े हो गए, उनकी फीस है, घर का खर्चा है, तो इनकम का कोई साधन नहीं मुझे नजर आए। बड़ी टेंशन होने लगी। उसके बाद मैं एक बार गलोड़ गई तो मेरे एक परिचित थी जो हैं, जिन्होंने एक कंपनी लगाई हुई है जो एलोवेरा के पौधे दे रहे थे, और मुझे उन्होंने समझाया कि आप भी मैडम एलोवेरा की खेती करो, जिससे कि आपका जो है वो 2 साल बाद बहुत ज़्यादा इनकम जो है वो आपको होगी। अभी आप अगर ऋण लेकर भी इसका जो है वो खेती करते हैं तो नेक्स्ट टाइम में आपको जो है वो फ़ायदा मिलेगा, और ये जो आपका खाली टाइम है उसमें भी आपका जो जैसे जो परेशानी दिमाग में चली हुई है वो भी आप जो है वो उससे छूट जाएंगे। तो मैंने उसकी बात सुनी और घर में बात की, तो घर में मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि 1 लाख रुपया जो इन पौधों के ऊपर खर्चा होना था, कम से कम ये मुझे 40 रुपये का पौधा पड़ा है एक, तो उसके लिए उन्होंने जो है वो मुझे बोला कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। फिर उस कंपनी वाले ने मुझे बोला कि मैडम आप ऐसा करो कि बैंक से आप ऋण ले लो, और ऋण जो है वो लेकर पौधे ले लो, उसके बाद जो है आप धीरे धीरे जैसे पौधे की ग्रोथ होगी, 18 महीने के बाद उन्होंने बोला था कि ये पौधे जो है वो छोटे बेबी प्लांट जो है वो बढ़ जाएंगे और बिकने शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद जो आप अपना ऋण जो है वो चुका सकते हैं धीरे धीरे। तो मैंने 1 लाख रुपया PNB बैंक से लिया लोन और पौधे जो है वो लगा लिए। उसके बाद बरसात में जो है वो इसकी बहुत ज्यादा मेहनत हुई मेरी, मेरे हाथों में छाले पड़ जाते थे, एक दो दो तीन तीन दिन जो है लगातार इसके घास उखाड़ने में और इसकी मतलब मेहनत करने में, तो हम दोनों ने मेहनत की, मेरे हस्बैंड ने भी और मैंने भी, और अब ये 6 महीने हो गए लगभग, पौधे बड़े हो गए हैं, बेबी प्लांट भी आने लगे हैं, तो इससे जो है मेरे मन को बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने जो फसल लगाई थी वो तैयार हो रही है, और अगर कंपनी वाले मेरा अच्छा सहयोग करेंगे और बेबी प्लांट जो है वो मेरे बिकने लग जाएंगे तो मैंने जो ऋण लिया है वो भी मैं उतार सकूंगी और आगे मुझे भी इसका जो है वो फायदा मिलेगा। कितना तो फायदा मिलने की उम्मीद है मैम इसका? जैसे एक प्लांट जो है वो अगर 4 पौधे दे रहा है, तो मैंने अगर 40 रुपये का एक पौधा लिया है तो एक पौधे से मुझे जो है 40 लगा लो 200 रुपया जो है एक पौधा मुझे दे रहा है, तो अगर ऐसा जो है वो 200 रुपया मुझे एक पौधा देगा तो मेरा जो अपना ऋण है और जो मुझे फायदा मिलना है वो जो है वो नेचुरली मुझे मिलेगा, और कंपनी वाले भी मेरा अगर सहयोग करेंगे जैसे उन्होंने बोला है, और यही है मेरी उम्मीद कि मेरे पौधे जो हैं बढ़ें, और मेरी जो ये एलोवेरा की आगे भी उन्होंने बोला है कि ये पत्ते भी जो हैं वो आगे हम ले जाएंगे कंपनी में, जैसे 2 साल बाद इनके पत्तों की जो है वो कटिंग शुरू हो जाएगी, जैसे बड़े हो जाएंगे तो वो भी बिकेंगे ये पौधों के जो पत्ते। ग्रामीण महिला मंजुला देवी ने बताया कि रीता देवी ने एलोवेरा की खेती का काम शुरू किया है जो कि प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि एलोवेरा से कई प्रकार के हर्बल प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं जिनकी बाजार में काफी मांग है, इसलिए इस तरह की खेती का लाभ देखकर सभी लोग इस तरह की खेती बाड़ी करना चाहते हैं। सर ये तो वैसे रिश्ते में मेरे चाची सास लगते हैं ना, और मैं वैसे इनके पास पड़ी हुई हूँ, मैडम भी है मेरे ये, और ये जो कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम है,
जो एलोवेरा की इन्होंने खेती की हुई है, बहुत अच्छा। और हमें भी जो ये काम कर रहे हैं, तो हम भी सोच रहे हैं कि हम भी नेक्स्ट ईयर ये काम जो है वो जरूर करेंगे एलोवेरा का। तो हमारे लिए भी ये बहुत प्रेरणादायक है ये चीज़, और हम एलोवेरा की जो खेती है वो पक्का नेक्स्ट ईयर हमने भी ये शुरू करनी है। क्या लगता है कि इसकी खेती करने से क्या इनकम जनरेट होगी? बिल्कुल सर, इन्होंने तो पूरा जो पता किया हुआ है सारा ना, तो सर इनकम तो पक्का ये पौधा देगा ही देगा, क्योंकि जितने भी हर्बल प्रोडक्ट हैं तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है उनमें, तो ये तो पक्का जो है वो इनकम का साधन है, बहुत अच्छा साधन है। और मैं तो सबको कहना चाहूँगी जो हमारी ग्रामीण जो महिलाएं हैं कि वो इस एलोवेरा की जो खेती है इसको अपनाएं और इसको बढ़ावा दें। रीता देवी की सास रोशनी देवी ने बताया कि पहले उनकी बहू निजी स्कूल में अध्यापिका का काम करती थी और कोरोना संकट में स्कूल की नौकरी चली जाने के बाद एलोवेरा की खेती शुरू की है, जिससे आजीविका का सहारा बना है। ठीक है जी, चलू दा काम काहे भी कर रहे बीच माड़ा मोटा आते तो उंदा नहीं आने चढ़ा तो पहले क्या करते हैं होना से थोड़ा दी नू पहले कुछ नहीं, पहले पढ़ाई पढ़ाई कराई थी, इसते परांत आई खेती बाड़ी, स्कूल गई, स्कूल ते भी छुट्टी हो गई। जी तो अब ये जो फसल का काम करवा रहे हैं आप इनसे, तो इससे क्या आने वाले समय में फायदा होगा? फायदा होगा जी, तो लाओदा जी, तो फायदे वास्ते लाओदा। रीता देवी की बेटी सोनाली ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान परिवार का पालन पोषण करना मुश्किलों भरा था और मेरी माता ने बहुत ही सूझबूझ से एलोवेरा की खेती बाड़ी शुरू की है, जिससे अब आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमेशा ही अपनी माता से प्रेरित होती रही हैं और जिंदगी में कभी हार ना मानने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। मैं अपनी मम्मी से हमेशा से प्रेरित होती हुई आई हूँ। मेरी मम्मी मेरे लिए हर टाइम एक एग्जाम्पल रही हैं, और यहाँ पे भी उन्होंने लॉकडाउन के दौरान भी इतना अच्छा काम करके एक बार फिर अपने आप हमें एक प्रेरणा दी है कि मतलब जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, क्योंकि फल आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि इस एलोवेरा को देख के हम शुरू शुरू में जब हमने लगाई थी तो हमें थोड़ा डर भी था, बट अब मम्मी ने इतनी मेहनत करी कि इतनी अच्छी हो चुकी है कि हमें खुशी है। बेटा आप भी क्या इसमें हेल्प करते हैं इनकी? हाँ जी, हमने की है, मतलब ज्यादा से ज्यादा काम तो मम्मी और पापा ने किया है, पर हमने भी कभी कभी हाथ बटाया है मम्मी पापा का।